नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल फ्री बिजनेस हेल्प में। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे थे जो लोग कहते हैं कि जी मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कम पैसा है या मैं कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस करना चाहता हूं, और सर ऐसा बिजनेस बताइए जिसमें मेरा पैसा है वो पूरा एक महीने के अंदर पैसा भी रिकवर हो जाए। तो आज ऐसे बिजनेस पर हम बात करने वाले हैं जिसमें आपका पैसा रिकवर होने में महीना भी नहीं लगेगा, एक हफ्ते के अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो जाएगी और रोजाना आप 4 से 5 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं। और ये जो बिजनेस है, बिजनेस प्लान है, ये डिस्ट्रीब्यूटर प्लान है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है मसालों का बिजनेस है, मसालों के बिजनेस में आप कैसे इसमें काम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अच्छा लगता है जब कोई हमारे बिजनेस आइडियाज देख के और अपने बिजनेस करते हैं। तो मेरे एक बहुत ही पुराने फॉलोवर हैं और काफ़ी टाइम से मुझे जो है उनका कॉल आ रहा था, बुला रहे थे, कह रहे थे कि सर एक बार आज ये आपसे मिलना है। तो आज उनकी साइट पर आया हुआ हूँ और उनका ऑल इंडिया में अभी वर्क चल रहा है, बहुत सारी जगह पर चल रहा है और ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट है जो आपने ना तो कहीं देखा होगा और ना कभी सुना होगा। तो यूनिक प्रोडक्ट भी है उनके पास में और इसके अलावा जो नॉर्मल चलने वाला 20 से 22 तरह के जो प्रोडक्ट है वो भी उनके पास है। तो कौन कौन से प्रोडक्ट है वो देखेंगे और आपके लिए क्या शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उस पर भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो कहीं मत जाइए, वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए। और जो मेरे फॉलोवर्स हैं उन्होंने कैसे वर्क स्टार्ट किया, विदेश में पहले जॉब करते थे और मेरे वीडियोस देख के उन्होंने इंडिया में आए और इंडिया में उन्होंने अपना बिजनेस करने का सोचा और सोचा ही नहीं ऐसा बिजनेस धड़ाकेदार किया कि पूरे यहाँ पे हरियाणा के अंदर, मैं अभी पिहोवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हूँ, पिहोवा एक तहसील जिसको बोलते हैं, उप तहसील जिसको बोलते हैं, वहाँ पर हूँ और यहाँ पे इनका पूरे हरियाणा के अंदर नेटवर्क है। इसके अलावा आसपास के राज्यों में इतना शानदार क्वालिटी रखते हैं, आसपास के राज्यों में भी इनका जो है प्रोडक्ट फैला हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको जो ओनर हैं उनसे मिलाता हूँ और उनसे सीखते हैं कि स्ट्रगल वास्तव में कैसे किया जाता है। रियल जो स्ट्रगल की पहचान है वो है अपनी मेहनत से जीरो से लेके और आज आसमान तक पहुंचे हैं। तो उनसे आपको पूरा इंटरव्यू दिखाऊंगा जिससे आपको एक तो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिल रही है और दूसरी नॉलेज मिल रही है कि बिजनेस कैसे किया जाता है। वो एक रोल मॉडल की तरह हर एक व्यक्ति के लिए साबित हो सकते हैं। तो चलिए इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं और शुरू करने से पहले दोस्तों, पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट हैं और जो सर हैं उनसे भी मिलकर बात करते हैं। तो दोस्तों, अभी मेरे साथ हैं मेहनत और स्ट्रगल का एक जीता जागता उदाहरण, जिन्होंने अपने दम पे काम किया है और अपने दम पे जीरो से लेके और आज इस लेवल पे पहुंचे हैं कि अपने गांव के अंदर काम करते हैं, गांव में बिजनेस किया हुआ है और गांव से पूरा हरियाणा, आसपास की स्टेट इन्होंने छान रखी है और मेरे बहुत पुराने फॉलोवर हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जीत जी, जो आप इतने चाव से मेरी वीडियोज़ देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उस चीज़ के लिए और स्वागत करता हूँ हमारे चैनल के ऊपर आपका। जीत कुमार जी। हाँ जी, तो जीत जी ये बताइए कि आपकी स्टार्टिंग का हमें थोड़ा सा बताइए, आपकी इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपकी जो लाइफ है उसके बारे में सबसे पहले जानना चाहूँगा, क्योंकि जो मैंने स्टोरी सुनी दोस्तों बहुत ही इमोशनल स्टोरी है और इतने साल मेहनत की है, फॉरेन में रहे हैं। तो थोड़ा सा ये बताइए कि क्या क्या आप वहाँ पे करते थे, क्या जॉब रहे थे? सर मैं पहले मलेशिया रहता था सर जी। सर सन 2002 के अंदर गया मैं वहाँ पे जी, और वहाँ पे मैंने रेस्टोरेंट में भी काम किया जी, बर्तन भी मांजा जी, बहुत काम किया, मेहनत की जी। तो 10-15 साल काम किया वहाँ मैंने जी। तो किसी के नीचे रहकर नौकर बनना बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। तो शुरू से मेरा सपना था कि अपना बिजनेस होना चाहिए जी। आपका कुछ मैंने ऐसा सुना था कि आपकी जो ड्यूटी स्टार्ट ही आधी रात से स्टार्ट होती थी, वो क्या काम था? 16 घंटा ड्यूटी होती थी, आपने कुछ ऐसा बताया था मुझे। 16 घंटा ड्यूटी होती थी, रात को मैं 2 बजे 1:30 बजे उठता था, 2 बजे काम पे जाता था और अगले दिन 4 बजे मैं घर वापस आता था काम पे से। ओके, हाँ। तो वहाँ से आपको यहाँ इंडिया में आके और अपना काम स्टार्ट करने का आइडिया कैसे आया और कितने साल आपने वहाँ काम किया? मैं सर मलेशिया में 15 साल रहा जी। तो मैं, मेरी एक आदत थी, मैं YouTube देखता था, YouTube पे बिजनेस देखता था जी जी। और सर खासकर आपका वीडियो ज़्यादा देखता था मैं आपका वीडियो मैंने कई बार देखा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बालाजी इंटरप्राइजेज का। तो जैसे उन्होंने मेरी मदद की, बालाजी इंटरप्राइजेज का देखा जी जी। तो जो देखा मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ओके, अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो ये आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे मसाले का ही काम करना है? मसाले का काम, सर मैंने बिजनेस कई देखे, मसाले का काम ऐसा है कि इसका कोई मौसम नहीं होता, हर मौसम में चलता है ये सर जी। तो इसका ये नहीं है कि सर्दी में चलेगा या
गर्मी भी नहीं चलेगा। तो मैंने तो वैसे बिजनेस के बारे में बहुत सोचा, पहले मैंने सोचा चप्पल बेच लेते हैं, कभी सोचा कुछ बेच लेते हैं, तो चप्पल तो गर्मी में चलेगी सर्दी में चलेगी नहीं ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये मसाला एक ऐसी चीज है जो कि हर सीजन में चलेगा। इसका ये नहीं है कि भी मसाला तो देखो इसकी डिमांड तो रहेगी, 10 साल बाद भी रहेगी और 20 साल भी बाद भी ही रहेगी। क्या खासियत मानते हैं आपके जो ये प्रोडक्ट है, इनमें देखिए मसालों की तो बहुत सारी कंपनियां हैं और आपका जो प्रोडक्ट है उसमें ऐसा क्या खास है कि लोग आपका ही प्रोडक्ट खरीदते हैं? सर हमारा मसाला जो है जो हम खुद तैयार करते हैं जी, खुद पिसवाते हैं, खुद अपना लेके आते हैं, हम खरीद कर नहीं लाते, हम तो जैसे साबुत मसाला लाते हैं खुद पिसवाते हैं ओरिजिनल। ओके, हाँ जी, मतलब क्वालिटी आप जो है, क्वालिटी हमारी है जी, जो एक बार खाता है वो बार बार आता है। ओके, हाँ जी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जीत जी के जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है अमन स्पाइस और आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कितने तरह के आपके अभी जो प्रोडक्ट हैं वो चल रहे हैं। अपने जी 22-23 तरह के प्रोडक्ट चल रहे हैं सर। ओके, हाँ जी, और ये जो क्या बोलते हैं इसको, हैंगर बोलते हैं इसको, तो इसमें कितने रुपए वाली पैकिंग है ये और कितने पीस होते हैं? 10 रुपए वाली पैकिंग है जी, ये है मेथी दाना सर। ओके, हाँ जी, तो 10 रुपए की कितने पैकिंग है और इसमें 20 पैकेट होते हैं सर। ओके, यानी कि ये हो गया 200 रुपए का पैकेट। 200 रुपए का पैकेट दुकानदार जो है इसको 200 रुपए का बेचता है। ओके, 10 रुपए की सेल से। ओके ओके ओके, ठीक है। और जो मान लीजिए बिजनेस प्लान की बात करते हैं जी सर, आपके साथ जुड़ के सबसे पहले तो ये बताइए सर कहाँ कहाँ अभी आपका माल जा रहा है, और उसके बाद में हम बात करेंगे कि आपके साथ कोई बंदा जुड़ के बिजनेस करना चाहता है तो वो कैसे करे? अपना माल तो वैसे सर पूरा हरियाणा तो जा ही रहा है, वैसे ऑल इंडिया जा रहा है, ऑल इंडिया में जैसे कि उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया जी। तो ऐसे मतलब कि 4-5 स्टेटों से में जा रहा है। अपना एक मोटिव है कि पूरे इंडिया में जाए जी, कि भी अच्छा मसाला हर किसी को मिले। ओके, तो और बिजनेस प्लान क्या है सर कि जैसे कोई भी बंदा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में मुझे बताया गया कि रोजाना के 4-5 हज़ार रुपए कमा सकते हैं, तो उसका क्या तरीका है, कैसे कमा सकते हैं? तरीका ऐसे है सर जी, इसमें प्रॉफिट है जी, तो डिस्ट्रीब्यूटर जिसको भी बनना है तो प्रॉफिट में, ये समझाइए सर कि जैसे ये हैंगर है, ये 200 रुपए वाला है, हाँ जी, कितने का पड़ेगा, कितने का आगे बिकेगा, क्या ये जी डिस्ट्रीब्यूटर को 100 रुपए का हैंगर मिलेगा सर जी, तो वो दुकानदार को 140 का बेच सकता है। ओके, तो उसको 40 रुपए का प्रॉफिट होगा और दुकानदार को इसके पीछे 60 रुपए का प्रॉफिट होगा सर। ओके, यानी कि आपसे वो खरीदेंगे 100 रुपए का। ओके, और आगे कितने का बेचेंगे? 140 का, और दुकानदार बेचेंगे 200 रुपए का, यानी कि सबको फायदा है, सबको फायदा है, जो आपसे माल ले रहे हैं उनको, डिस्ट्रीब्यूटर को 40 रुपए का फायदा है सर। ओके, डिस्ट्रीब्यूटर को 40 रुपए का फायदा है। आप बचत लगा लो, बचत की बात करें तो बचत कितनी क्या आ जाएगी रोजाना की, कितनी सेल, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटर एवरेज छोटे से एग्जांपल से कम कितनी बचत कर सकते? कम से कम सर अगर आप अंदाजा लगा लो एक पैकेट के पीछे 40 रुपए वो बचा रहा है तो 10 का गुना करके देख लो, ठीक है, उसी हिसाब से कैसे सप्लाई करेगा दुकानों पे जैसे कि भी अगर वो एक दिन में अगर 20 दुकानों पे भी जाता है, 20 दुकानों पे भी जाता है, अगर कोई दो हैंगर भी लेता है तो उसका 40 हैंगर चला गया जी, 40 हैंगर चला गया, अब 40 को 40 से डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो जी, तो लगभग 1600 रुपए हो गया, लगभग 1600 रुपए वो जी जी एक दिन में कमा सकता है, तो अपना तेल का खर्चा निकाल नुकूल के वो 1000-1200 रुपए वो दिहाड़ी कमा सकता है, कम से कम 1000-1200 रुपए तो वो बचत निकाल सकता है। और दो हैंगर तो आम लगता है छोटे से छोटा, छोटे से दुकानदार तो दो ही ले, अपने पास आप हैंगर लेके जाओगे आपके पास 12-13 तरह के हैंगर होंगे तो दुकानदार के पास जाओगे कम से कम 4-5 हैंगर तो वो ले ही लेगा। अगर आप एक गांव में भी जाते हो, एक गांव में कम से कम आज के डेट में 7-8 दुकानें होती हैं सर, 7-8 दुकानों पे अगर आपका एक दुकानदार अगर 5 हैंगर भी ले रहा है तो 8 दुकानदार में से अगर 5 दुकानदार भी ले रहा है तो 5 और 5 से करोगे तो 25 हैंगर होते हैं एक ही गांव में जी जी, आप हिसाब लगा लो 40 के हिसाब से जी। तो दोस्तों जैसा मुझे समझ में आ रहा है कि कम से कम भी अगर हम मान के चलें तो रोजाना 1500-1000 रुपए के लगभग आपकी वो बचत हो जाती है, और अगर आप सीरियसली काम कर रहे हैं 20-30 दुकानों पे आपका माल जा रहा है और 10-10 हैंगर जा रहे हैं तो आपके 4-5 हज़ार रुपए डेली होना कोई बड़ी चीज नहीं है, 1.5-2 महीने में आसानी से मार्केट इसकी। सर एग्जांपल के लिए मैं कमा रहा हूं सर, एग्जांपल के लिए मैं कमा रहा हूं, कहां मैं
ग्लेशियर रहता था, 16 घंटे काम करता था, जितना 16 घंटे कमाता था वहाँ, आज मैं खुद का एक खुद मालिक हूँ जी, खुद मैं मालिक हूँ, और मेरा सपना था, और इंसान कुछ भी कर सकता है जी। दोस्तों मेहनत आपको करनी है, हम आपके लिए बिजनेस आइडियाज दे सकते हैं प्रॉपरली, 100% जेन्युइन बिजनेस है ये, कहीं आपको जो है टेंशन नहीं है इसमें। और सर ये बताइए, थोड़ा सा आपका सेटअप भी दिखा दीजिए यहाँ पे, देखिए सबसे बड़ी चीज है गाँव में काम कर रहे हैं और अपने घर के अंदर ही हाफ पोर्शन वो यूज कर रहे हैं अभी, तो फिर भी इतना पूरे एरिया में सप्लाई कर रहे हैं, आप सोचिए गाँव के अंदर और अपने घर को हाफ जो है रहने के लिए यूज करते हैं और हाफ घर को जो बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जो मशीन है और इनके प्रोडक्ट्स हैं, ये मशीन लगाई हुई है, और ये मशीन आपने कहाँ से लगवाई सर? ये सर मैं हिसार से लगवाई सर, हिसार से। कौन सी कंपनी से? बालाजी इंटरप्राइजेस सर, बालाजी इंटरप्राइजेस। हाँ जी, तो उन्होंने आपको मशीन दी या फिर कुछ और आपकी हेल्प भी कुछ की? हेल्प तो सारी हेल्प उन्होंने सर की जी। हाँ जी। ओके, तो क्या आपको कुछ मतलब किस तरह से मार्केटिंग भी उन्होंने ही सिखाई, जो ए टू जेड सब उन्होंने ही बताया मेरे को तो पता ही नहीं था होता क्या है मसाला। ओके। या किसी चीज के बारे में नहीं पता था, जब मैं यहाँ पे नया, जब मैंने आपको पहले बताया कि मैं मलेशिया से आया, तो मैं सोच रहा था बिजनेस के बारे में जी जी, तो यूट्यूब चेक कर रहा था, तो जब उनसे बात की तो पहले मेरे दिल में शंका सी थी कि कहीं पैसा ना मर जाए जी जी। ये है वो है, मैं डर रहा था, तो डरते डरते दो बार गया मैं, तीन बार गया उनके पास, मुझे विश्वास सा नहीं हो रहा था, क्योंकि एक गरीब आदमी के लिए पैसा, थोड़ा सा पैसा बहुत होता है, अगर क्योंकि देखो अगर हम किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, मगर बालाजी इंटरप्राइजेज ने मेरे साथ एक अपने भाई की तरह उन्होंने मेरे साथ मतलब बिहेव किया जी। और अच्छे से उन्होंने मेरे को रिस्पांस दिया। ओके। तो आज मेरे पास वो आते हैं, मेरी हेल्प करते हैं, अगर कोई भी कमी हो फ़ोन करता हूँ, उसी टाइम फ़ोन उठाते हैं और मेरे को बताते हैं कि भी कैसे क्या कहाँ करना है, पूरी ट्रेनिंग देते हैं वो मेरे को। तो दोस्तों अगर आप बिज़नेस सेटअप भी करना चाहते हैं तो भी आप जो है बालाजी एंटरप्राइजेस से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनका भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर मैं स्क्रीन पर भी दे दूँगा लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। अभी आप सर ये बताइए कि जो बिजनेस प्लान है उसमें डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए क्या स्कीम है आपकी, जैसे कोई भी बंदा है पूरे इंडिया में कहीं से भी आपको मान लो जुड़ना चाहता है तो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर सर अगर कोई जैसे डिस्ट्रिक्ट के उस पर करना चाहता है तो उसको 1,00,000 रुपए से शुरू कर सकता है वो जी। तो अगर कोई तहसील से करना चाहता है जैसे एक तहसील एरिए से तो वो कम से कम 20,000 रुपए से शुरू कर सकता है। ओके। मतलब तहसील में स्टार्टिंग का जो ऑर्डर रहेगा 20,000 रुपए का रहेगा, उसमें आपको जो लगभग है कितने 201 हैंगर से स्टार्ट कर सकता है, और 200 हैंगर बेचना तो मेरे ख्याल से 4-5 दिन के अंदर आसानी से बिक जाएंगे सर। तो दोस्तों ये है बिजनेस प्लान जिसमें आप जुड़ के और अपना स्टार्टिंग का ऑर्डर है ये, उसके बाद में जैसे कि 1,00,000 जिनका ऑर्डर लगा रहे हैं तो क्या उनका अगला ऑर्डर भी 1,00,000 का रहेगा या उनको रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम ज्यादा भी ले सकते हैं? कम ज्यादा भी हो सकता है सर। Okay. कम ज्यादा भी पहला ऑर्डर 1,00,000 का होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, उसके बाद कोई 50,000 का 60,000 का भी माल लेना चाहते हैं तो वो हो जाएगा भिजवा देंगे। तो सर बहुत सारे आपके प्रोडक्ट हैं, उनमें देखिए प्रोडक्ट तो बहुत सारी कंपनियां मसालों की, लेकिन आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या खासियत है कि बंदा आपका ही प्रोडक्ट ले, या ऐसा कोई अलग से कुछ प्रोडक्ट है जो किसी के पास ना हो? सर हमारे पास एक चाय मसाला है जो अमन स्पाइसेस कंपनी ने बनाया हुआ है जो किसी के पास नहीं है। ओके। और इसका टेस्ट ऐसा है कि जो एक बार मसाला लेता है वो बार बार मांगता है। ओके। तो भेजने का तरीका क्या रहेगा और पेमेंट का कैसे क्या सिस्टम रहता है? भेजने का ट्रांसपोर्ट से रहेगा सर जी। और जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा वो कस्टमर खुद उसका होगा, कस्टमर का होगा सर। और सर जो इसमें माल का जो रहता है पेमेंट सर स्टार्टिंग में कैसे करवानी होती है, कोई ऑर्डर करना चाहते हैं तो कैसे आपसे कर सकते हैं, या यहाँ पे आके भी कर सकते हैं या फिर सीधा वहीं से ऑर्डर लगाना? सर ऑर्डर के लिए जो पेमेंट होती है वो पेमेंट पहले करनी पड़ती है सर जी। पेमेंट करने के बाद हम उसका माल जो है वो तैयार करेंगे। Okay. क्योंकि जैसे और भी कस्टमर लाइन में लगे होते हैं ना, तो उसी हिसाब से 2-3 दिन बीच में देना पड़ता है टाइम। Okay, वेटिंग टाइम देना पड़ता है और उनका माल तैयार करके हम उनको बता देंगे कि
दिन हम उनका माल डिस्पैच करने जा रहे हैं सर। और यहाँ पे अगर आना चाहे तो आप थोड़ा बता दीजिए कि कैसे कस्टमर आपके पास विजिट कर सकते हैं और आपसे माल का ऑर्डर लगा सकते हैं। कोई यहाँ आए तो उनको हाथों हाथ माल मिल जाएगा या फिर उनको वेटिंग देंगे आप? नहीं सर, वो आने से पहले एक बार हमको कॉल कर ले, हम माल उसका तैयार कर लेंगे तो वो आ सकता है। नहीं तो नहीं तैयार हो तो यहाँ से ऑर्डर भी लगा के लगा जा सकते हैं। अगर वो आना चाहता है तो हमें फोन करेगा, हम माल तैयार करेंगे और उसको कॉल कर देंगे भाई माल लेके जाओ अपना, तो वो ले जा सकते हैं। तो उनको वेटिंग वेट नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हाँ ये बात। तो दोस्तों ये है बिजनेस प्लान और मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। मुझे बहुत खुशी हुई इनसे मिलके, क्योंकि हमारे वीडियोस देख के बहुत सारे हजारों में ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट जो बिजनेस प्लान है वो आपको दिया जाए। वीडियो कैसा लगा दोस्तों फीडबैक दीजिए। जो अमन स्पाइसेस हैं पिहोवा में, पिहोवा के पास में ही गांव है सर का, हमीरा गांव, हमीरा फार्म गांव है पिहोवा के बिल्कुल पास में। पिहोवा जो है कैथल डिस्ट्रिक्ट है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जिला कुरुक्षेत्र है और हरियाणा के अंदर है। यहाँ अगर आप विजिट करना चाहते हैं यहाँ आके विजिट कर सकते हैं। अगर खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो बालाजी एंटरप्राइजेस के नंबर दे रहा हूँ आपको, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपना जो है डिस्ट्रीब्यूटर प्लान लेना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बन के और अपने एरिया में माल बेचना चाहते हैं, तो आपको बेहतरीन क्वालिटी यहाँ पे अवेलेबल होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नए बिजनेस आइडिया और नई सरकारी योजना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।